पीतमपुर के औद्योगिक क्षेत्र की मशहूर मिठाई की दुकान सैनी स्वीट्स पर खाद्य और नापतोल विभाग की संयुक्त छापामार कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान रतलामी सेव पर बेच नंबर और दिनांक अंकित नहीं थी। वहीं सैनी स्वीट्स की मशहूर केसर बर्फी भी शंका के दायरे में नजर आई, जिसे सील कर खाद्य विभाग अधिकारियों ने सैंपल जांच के लिए भोपाल भिजवाया है। आपको बता दें कि पहले भी कई बार ये दुकान में घटिया किस्म के सामान के कारण सुर्खियों में रह चुकी है। गौरतलब है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में सैनी स्वीट्स काफी मशहूर मिठाई की दुकान बताई जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश है कि मिलावट खोरों को बख्शा नहीं जाए। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सैनी स्वीट्स पे किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? ये दीपावली के त्यौहार को देखते हुए पूरे जिले भर में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में मिठाई एवं नमकीन की दुकानों पर नियमित कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इसी क्रम में आज सैनी स्वीट्स सेंटर पीथमपुर में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में पाया गया है कि जो रतनामी सेब जो यहाँ विक्रय किया जा रहा था, उसके ऊपर MRP, बैच नंबर, पैकेज दिनांक और ये सब अंकित नहीं हुआ और इसका नमूना लिया गया है जांच के लिए, बनाया गया है जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। साथ ही सैनी स्वीट्स से केसर पेड़ा का भी नमूना जांच के लिए दिया गया है। इसके अलावा पीथमपुर में ही सागर कुटी चौराहे पर स्थित अन्नपूर्णा उपहार गृह से मावा ये बर्फी का नमूना लिया गया है और पद्मश्री स्वीट्स एंड नमकीन से भी मावा बर्फी का नमूना जांच के लिए लिया गया है। ये सभी नमूने जो लिए गए हैं जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे और वहाँ से जो जांच के लिए रिजल्ट प्राप्त होगा उसके आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की। सर आपका नाम और पता बता दीजिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।